हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया और देशवासियों के सारी आशा अपेक्षाओं को आपने जीत लिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आमतौर पर मैं देर रात दफ्तर में काम करता रहता हूं, तो लेकिन इस बार मैं टीवी भी चल रहा हूं तो फाइल भी चल रही थी ध्यान केंद्रित नहीं बना रहा फाइल में लेकिन आप लोगों ने शानदार अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, तो हड़बड़ी नहीं थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का। और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहां पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाई है, बहुत मैचेस में फाइनल में जाके भी वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडिट है इसमें। बहुत मेहनत की है इन लड़कों ने। बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, जो यंग जनरेशन आएगी, ये लड़के भी इंस्पायर हुए हैं। 2011 का जो विक्ट्री थी उसको देख के बड़े हुए हैं काफी ये लड़के। तो अभी इन लड़कों ने ये परफॉर्मेंस देख के आई एम श्योर लड़के लड़कियां हमारे देश में इन लोगों को हर स्पोर्ट्स में बहुत इंस्पायर किया है। तो हम पहले शुक्रिया देना चाहते हैं आपका और मैं सिर्फ इन लड़कों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। बधाई तो आप लोगों को है भाई, देश के नौजवानों को आप बहुत कुछ आगे वाले दे सकते हैं। विक्टरी तो दिए हैं लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं। अपने आप में एक आपके पास एक अथॉरिटी है नाउ। चाहो क्यों सीरियस है? हाँ? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूं। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप बट हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने मार्क किया होगा लेकिन रोहित, मैंने दो एक्सट्रीम चीजें देखी इसमें, मुझे इमोशंस नजर आ रहा था। और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे
जो नृत्य होता है सर उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे, तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना चलकर, कुछ अलग करना तो ये चहल का आइडिया था क्या